बड़वानी में जहाँ कोरोना महामारी में कई समाज सेवी आगे आ रहे लोगों की मदद के लिए, तो कुछ लोग इस महामारी में लूट का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक मामला बड़वानी कलेक्टर को शिकायत की गई। बड़वानी के निजी चिकित्सालय साई बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल की शिकायतकर्ता वर्षा सोलंकी इसी हॉस्पिटल में नर्स का कार्य करती थी, उन्हीं के साथ गलत व्यवहार किया गया। वर्षा सोलंकी ने बताया कि उन्होंने कोरोना होने के कारण अपनी माता कमलाबाई राठौड़ का साई बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब तक आयुष्मान योजना की बात नहीं की, बहुत अच्छे से उपचार चल रहा था। बाद में आयुष्मान योजना का कहा तो साई बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल वालों ने गलत व्यवहार करना चालू कर दिया। तथा मेरी माता को बाईपैप की मशीन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लगाकर वीडियो बनाया गया ताकि शासन से रुपये ऐट सके। साथ ही हॉस्पिटल ने कहा कि आयुष्मान योजना में महंगा इलाज महंगी दवाइयां नहीं दे सकते। इसी व्यवहार के कारण मुझे अपनी माता को संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इसी बात मेरी माता की मृत्यु वहीं हो गई। वहीं साई बाबा हॉस्पिटल से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मुझसे बिल में 3,000 रुपये प्रति सिलेंडर के नाम से राशि मांगी गई, जबकि शासन स्तर पर 1,000 रुपये प्रति ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की बात कही गई। उक्त शिकायत वर्षा सोलंकी के द्वारा बड़वानी कलेक्टर को की गई और SDM बड़वानी को धनश्याम धनगर को पूरे मामले से अवगत करवाया गया है। उक्त मामले में बड़वानी SDM श्री घनश्याम धनगर ने कहा कि उक्त पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई आगामी की जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता वर्षा सोलंकी ने आरोप भी लगाया साई बाबा जीवन धारा हॉस्पिटल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी करने का। वर्षा सोलंकी द्वारा बताया गया कि मेरी माता श्री को 8 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए, जबकि एंट्री 10 की है। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ गए वो भी जांच का एक विषय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा सोलंकी है। वर्षा जी, कहाँ कार्य करते थे आप? मैं साई हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स। क्या हो गया आपके साथ? यहाँ कलेक्टर ऑफिस के बाहर है। मेरी मम्मी की डेथ हुई है साई हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। क्या करी है इन लोगों ने लापरवाही? इन लोगों ने जब तक मेरी मम्मी का आयुष्मान कार्ड में नहीं था तब तक बहुत अच्छा काम हुआ है। जहाँ मैंने आयुष्मान कार्ड के लिए लाभ मांगा तो इन लोगों ने मेरे को मेडिसिन देने से मना कर दिया। मेरी मम्मी को बाईपैप लगा के 10 मिनट का वीडियो बनाया, और जब मैंने पूछा कि ये वीडियो क्यों बन रहा है तो बोल रहे हैं हमको आगे जानकारी देना पड़ेगी कि पेशेंट बाईपैप पे है। ऐसा क्यों? सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ज़्यादा पैसा लेने के लिए। और क्या करा फिर आपके साथ इन लोगों ने? इन लोगों ने रात को 10:30 बजे मुझे मना कर दिया कि महंगी दवाई गोली नहीं देंगे, आप चाहो तो आपके पेशेंट की छुट्टी करवा लो और दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। और इस वजह से मेरे को मेरी मम्मी को रात को 11 बजे संजीवनी हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, और कल उसके दूसरे ही दिन मेरी मम्मी की डेथ हो गई। और फिर क्या शिकायत में क्या करा आपने, क्या लिखा है? शिकायत में बहुत कुछ है। मेरी मम्मी के लिए जो मैंने बाहर से रेमडेसिविर खरीदे हैं उनकी भी एंट्री कर रहे हैं, तो कितने मम्मी को लगे? सरकार दे रही, वो किधर जा रहे हैं? कितने रेमडेसिविर की हेराफेरी करी है साई हॉस्पिटल ने? रेमडेसिविर तो मेरी मम्मी को 10 का बोला था। तो कितने लगे? 8 ही लगे। 2 कहाँ गए पता नहीं। इसकी शिकायत की आपने? नहीं, शिकायत कर रही हूँ ना मैं आपसे, बोल रही हूँ कि इसकी छानबीन की जाए। कलेक्टर सर को तो मैंने ये चीज़ बोली दी है, सर ने बोला है कि इन सारी चीज़ों की जानकारी निकालेंगे। और इनका जो बिल दिया हुआ है, क्या बिल में क्या हेराफेरी करी है? बिल में कलेक्टर सर ने आज जानकारी निकाली है तो हर हॉस्पिटल में पर सिलेंडर 1,000 रुपये है। ये साई बाबा जीवन धारा वाले के क्या लिए आपसे? कितने पैसे? 3,000 रुपये पर सिलेंडर। 3,000 रुपये यानी कि 2,000 रुपये आप स्टाफ के और आपसे ज़्यादा लिए? हाँ, इसीलिए लिए इंसान। और क्या गड़बड़ी करी है साई हॉस्पिटल ने आपके साथ? हॉस्पिटल में यही गड़बड़ी है ना, क्योंकि पेशेंट का आयुष्मान में अगर कर रहे हैं तो तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। सरकार ने आपको आयुष्मान का आईडी दी क्यों है? लोगों की हेल्प करने के लिए ना। ये इनकी लापरवाही से आपकी मम्मी एक्सपायर हुई है? हाँ, आधी रात को अगर ये हॉस्पिटल से मेरी मम्मी को डिस्चार्ज नहीं करते और मैं दूसरे हॉस्पिटल नहीं ले जाती तो ऐसा नहीं होता है। भाई साहब, आप खुद भी जानते हो पेशेंट कोविड से नहीं मरता है, पेशेंट डर से मर जाता है। उस पेशेंट को आप बाईपैप लगा रहे हो जो नेजल पे मेंटेन कर रहा है, तो फिर उसको अगर बाईपैप लगा रहे हो तो वो तो ये समझेगा ना कि मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं ज़्यादा बीमार हूँ। हाँ, डर ही गया है ना मरीज। रात को 11 बजे दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो मरीज को तो ये लगेगा ना कि मेरे को बड़े हॉस्पिटल भेज रहे हैं। आगे शिकायत की है आपने भोपाल और नहीं स्वास्थ्य विभाग? आगे अभी तो कोई शिकायत नहीं की, अभी तो मैंने कलेक्टर साहब को ही शिकायत की। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए, और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।